सुपर स्टार महेश बाबू साउथ इंडियन सिनेमा के उन चंद एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है जिन्हें बॉलीवुड फैंस भी जानते हैं। अपने हैंडसम लुक के लिए जाने जाने वाले महेश बाबू का बॉलीवुड से भी गहरा नाता। उन्होंने हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस नर्मदा सिरोडकर से शादी की है जो उनसे उम्र में करीब 4 साल बड़ी है। महेश बाबू साउथ के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर कृष्णा के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म नेदा से की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने 9 सालों तक फिल्मों से दूरी बनाए रखी। साल 1999 में उनकी पहली फिल्म राजा कोमारुडु रिलीज हुई। इसके लिए उन्हें स्टेट नंदी अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल डेब्यू दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, इनमें मुरारी, अर्जुन, बिजनेसमैन, पोकरी, ओक्काडू, स्पाइडर और भारत आने नेनू फिल्में के नाम शामिल हैं। महेश बाबू ने अब तक 8 नंदी अवार्ड, 5 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 आईफा अवार्ड जीता है। उनकी बहुत सी फिल्मों को बॉलीवुड में रीमेक किया गया जिसमें सलमान खान की सुपरहिट फिल्म वांटेड का भी नाम शामिल है। ये फिल्म पोकरी का हिंदी वर्जन थी जिसने सलमान खान के करियर को पटरी पर लाने का काम किया था। बॉलीवुड के इस एक्टर के करोड़ों फैंस हैं। वो साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के बाद सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेता हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेन ने महेश बाबू के साथ ही फिल्म किया था। उनकी डेब्यू फिल्म का नाम था निनोक डेन। यही रहे उनकी वैनिटी वैन की कीमत करीब 6.2 करोड़ रुपए है, जो शाहरुख खान की वैनिटी वैन से भी अधिक महंगी है। साल 2005 में इन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस नर्मदा सिरोडकर से शादी की। महेश और नर्मदा के 2 बच्चे हैं। महेश समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वो अपनी कमाई का 30% हिस्सा दान कर देते हैं। अब उनके उन फिल्मों का नाम बताएंगे जो हिंदी में डब की गई। नंबर 1 डैशिंग सीएम भारत, 2 बजरंगी पुलिस वाला एंड जिगर कलेजा, नंबर 1 बिजनेसमैन, इंटरनेशनल खिलाड़ी। मैंने साउथ की पहली फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी ही देखी थी जो बहुत ही गजब की मूवी। आप अगर देखेंगे तो उस शो को स्किप नहीं कर पाएंगे। अगर आप वो न देखें तो 100% देखें, इंटरनेशनल खिलाड़ी बहुत ही मस्त मूवी है। अब महेश बाबू के जन्म के बारे में बताया। महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 को भारतीय राज्य तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ। उनका परिवार एक फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध परिवार है। उनके पिता भी एक लोकप्रिय अभिनेता थे, उनका नाम कृष्णा था एंड उनकी माँ का नाम इंदिरा देवी है। एंड उन्होंने विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की है। वे इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए चेन्नई विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिल्मी करियर के लिए उसको ड्रॉप कर दिया। अब उनकी उम्र लगभग 49 वर्ष हो चुकी है, लेकिन वो दिखने में अभी भी बहुत हैंडसम, बहुत क्यूट दिखते हैं। एंड महेश बाबू के परिवार को राजनीति में रुचि। उनके पिता ने भारतीय पॉलिटिक्स में भागीदारी की थी। उनके पिता ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को अभिनय प्रदर्शन करने के लिए सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री के कार्यालय में भारी संख्या में सहयोग किया था। हालांकि महेश बाबू खुद राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते, उन्होंने कई बार इस बारे में खुलकर व्यक्त किया है कि उन्हें राजनीति में दबंगई नहीं करने का इरादा है और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को सफल बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। महेश बाबू एक उदार और समझदार व्यक्ति हैं और वे समाज के मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। उन्हें लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है और वे सामाजिक उदारता के कई कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने विभिन्न चैरिटेबल कार्यक्रमों और समाज सेवा अभिनयों का समर्थन किया है। उन्हें उनके फैंस द्वारा एक सामाजिक दायित्व के रूप में भी मान्यता दी जाती है। एंड महेश बाबू 5 भाई बहनों में 4 नंबर की संतान। इनके बड़े भाई रमेश बाबू, बहन पद्मावती और मंजुला स्वरूप हैं, जबकि महेश बाबू से छोटी प्रियदर्शनी है। एंड नेटवर्थ की बात करें तो महेश बाबू साल में 24 से 30 करोड़ रुपए कमाते हैं और लगभग अभी उनके पास 300 करोड़ की संपत्ति है और उनका कार कलेक्शन काफी बड़ा है, जिनमें दुनिया के कुछ बेहतरीन लग्जरी कारें हैं। इनमें रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज और ऑडी शामिल है, जिनकी कीमत 9 करोड़ के ऊपर ही है और इनके घर की कीमत 28 से 30 करोड़ रुपए। और हाल ही में इन्होंने एक घर और खरीदा है जिसकी कीमत करोड़ों में है।